संसार में दो ही प्रसिद्ध स्थान हैं जहां योगी जन निवास करते हैं, एक नर्मदा का तट और दूसरा उत्तराखंड। महाराज ने इन दोनों स्थानों को खोज डाला, नर्मदा नदी के तट पर की सब कुटियाओं में रहने वालों को देखा। उत्तराखंड की कौन सी गुफा है जिसमें महाराज नहीं पहुँचे, कौन सा मठ है जहाँ जाकर योगियों का अनुसंधान उन्होंने नहीं किया, और अंत में जिस प्रियतम की खोज में वे घर से निकले थे, जिस महादेव को पाने के लिए उन्होंने माता पिता के प्यार को छोड़ा था, उसे योग विद्या द्वारा पा ही लिया, अब क्या बाकी रह गया था जिसके लिए वे जीवित रहते। महाराज कहते हैं, एक बार मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसी हिम राशि में पड़े पड़े ही मैं अपने प्राणों का अंत कर दूँ, किंतु थोड़ी ही देर में ज्ञान लालसा इतनी प्रबल हो उठी कि मैंने वह विचार छोड़ दिया। तब महाराज विशेष ज्ञान वृद्धि के लिए मथुरा पहुँचे और स्वामी विरजानंद जी के पास 3 वर्ष रहकर ज्ञान के कोष में अधिक वृद्धि की। जब विदा होने का समय आया और गुरु दक्षिणा की बात चली तो गुरु ने कहा, सौम्य, मैं तुमसे किसी प्रकार के धन की दक्षिणा नहीं चाहता। तुम प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यावर्त में आर्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना के निमित्त अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। महाराज ने उत्तर दिया, तथा अस्तु, और फिर कहा, श्री महाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य उनके आदेश का किस प्रकार पालन करता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा थी। सोचिए, एक शिष्य अपने गुरु को अपना पूरा जीवन दे देता है गुरु दक्षिणा में कि गुरुदेव, अब से आपने जो कहा है उसी के अनुसार मैं कार्य करूँगा और इस पद भ्रष्ट हो चुके समाज को फिर से वेदों की तरफ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा थी ऋषि दयानंद जी महाराज की। आप सबको भी अपने गुरुओं के प्रति आदर रखना चाहिए और देश और समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यावर्त।